हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रंजन। मैं आज आपको बताऊंगा टाटा सिग्ना BS4 का पंप है, CB28 का 0445025608 नंबर का पंप है। वो कैसे फिटिंग करना है वो डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी चलिए देखेंगे एक एक करके। चलो अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे, आइए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, ये 608 नंबर का पंप है, ठीक है। ये अभी मैं पूरा धो धा के, मतलब हाउसिंग धो के पूरा अच्छा से क्लीन करके हूँ। और BS4 का फ्रेंड्स, आप मतलब अच्छा से क्लीन करना है, जितना सबसे इम्पोर्टेंट क्लीन, और जितना सफाई रखोगे इतना अच्छा डीजल और आएगा, ठीक है, अच्छा से बनेगा। ये देखिए पूरा धो के मैं रखा हूँ, पूरा क्लीन करके रखा हूँ। अरे इसमें ये सप्लाई पंप नया डालूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा डिसमेंटलिंग जो वीडियो है वो मेरे चैनल में ऑलरेडी है। उसमें हमारा सप्लाई पंप टूट चुका था, पानी आके उसका स्प्रिंग पूरा टूट गया था सप्लाई पंप का, तो डीजल खींच नहीं रहा था, सक नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। तो इसको धो धा के मैं क्लीन करके अभी फिट करने वाला हूँ। ये देखिए कैसा वाटर एंट्री हो गया था पंप में, ठीक है। ये पुराना सप्लाई पंप है, देख सकते हैं आप वाटर एंट्री कैसा हो गया है। अभी इसको फिट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये पूरा क्लीन करके रखा हूँ मैं, अभी फिट करेंगे। ये उसका हाउसिंग है, अंदर से ऐसा दिखता है फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसा हाउसिंग है CB28 का। ये क्लॉकवाइज का है, टाटा सिग्ना का है, और महिंद्रा नविस्टर में एंटी क्लॉकवाइज आता है फ्रेंड्स। ये कैमशाफ्ट है, देखिए फ्रेंड्स कैमशाफ्ट में जिधर एंड प्लेट रहता है फ्रेंड्स, उधर एक सिम आता। ये देखिए CB18 में सिम नहीं आता, CB28 में हमारा सिम आता फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, खुलते टाइम भी ध्यान रखना है, ओके। नहीं तो ये डायरेक्ट खुल के ट्रे में डाल देंगे, सिम नहीं है करके फिर वो प्रॉब्लम आएगा आपको। ऐसा थोड़ा ग्रीस की ऑयल लगा लेने का फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि अपना CB28 का पंप फ्रेंड्स ऑयल में ही जो बूश है, बैरिंग वेरिंग नहीं है, देख सकते हैं आप कैमशाफ्ट में बैरिंग नहीं है। एंड प्लेट है फ्रेंड्स, एंड प्लेट में बूश है, देखिए बैरिंग नहीं है। तो मशीन पे जब टेस्टिंग करते फ्रेंड्स, वो 100 के ऊपर नहीं लेना है इसको कभी भी, ठीक है। अरे पंप कैसे रीडिंग मारना है पूरा देसी स्टाइल में, और कैसा डिसमेंटल, कैसा खुलना है, कौन से पार्ट्स का क्या नाम है, वो पूरा डिटेल का दोनों का वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल में विजिट करके आप देख सकते, ठीक है। एंड प्लेट का होल मैच करके वो स्क्रू टाइट मार देंगे, 5 नंबर एलिंग के स्क्रू आते फ्रेंड्स, ठीक है। जो ऑयल का जो होल दिख रहा है फ्रेंड्स, वो ऊपर रहना चाहिए, ऊपर के पोजीशन में, और नीचे रख के टाइट नहीं मारना है, क्योंकि हमारा फिर लुब्रिकेंट नहीं होगा। ऐसे तो इधर उधर लगेगा नहीं फ्रेंड, जब तक होल मैच नहीं होता वो पूरा स्क्रू आप लगा नहीं सकते, ठीक है। ऐसे पूरा स्क्रू लगा के टाइट मार देंगे उसको, ओके फ्रेंड्स। ये 5 नंबर एलिंक से टाइट होता है, लेकिन क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना सफाई करोगे इतना आपका अच्छा बनेगा पंप, ओके। और सप्लाई पंप का फ्रेंड्स, अगर स्प्रिंग नहीं टूटा होता ना, तो आप धो धा के घिसाई विसाई करके मालिश करके वही वैन पंप लगाएंगे तो भी रीडिंग आ जाता है। ये देखिए ये फिट करते टाइम, एंड प्लेट को टाइट करते टाइम फ्री होना चाहिए फ्रेंड्स, फ्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हाथ से पूरा फ्री घूमना चाहिए, कभी कभी टाइट करते टाइम जाम हो जाता तो बराबर टाइट करने का, वो फ्री रहना चाहिए, ओके। ये देखिए कैम सब डाल दिया हूँ, अभी इसका लगाएंगे टाइपेट असेंबली फ्रेंड। ये रूलर है, रूलर पिन है, ये देखिए इसका पिन कितना ये है, ये जो कट वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, उसमें जो हाउसिंग में बोल्ट रहता है, ये देखिए स्क्रू रहते टाइपेट को लॉक करके रखता है, ये कट उसमें टाइपेट स्क्रू जो है, टाइपेट लॉक बोल्ट जो है उसमें लगेगा, ठीक है, उस सेट करके डालना है। देखिए ऐसा प्लास में टाइपेट असेंबली दो होल रहते हैं, इसे प्लास में पकड़ लेने का, ठीक है। आपके सुविधा के हिसाब से जैसा फिट करना है जो भी होगा उसमें फिट कर देंगे, ऐसा रख देंगे, फिर इधर से बोल्ट लगाएंगे फ्रेंड्स।
फिर दूसरा वाला भी डाल देते पहले। ये देखिए ऐसा बोल्ट मैं कैसा लगा रहा हूँ, ऐसा लगा लेंगे। ठीक है, वो होल में जाना चाहिए, बराबर होल में जाएगा फ्रेंड्स। इधर उधर होगा तो वो बोल्ट नहीं जाएगा, लॉक नहीं होगा, टाइपर लॉक होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, दूसरा डब फिट करता हूँ फ्रेंड्स मैं। दूसरा टाइपेट असेंबली है, ये टाइपेट असेंबली है, रोलर रोलर पिन के साथ वो कम्प्लीट आता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे लॉक कर देंगे, लॉक करके वे दोनों बोल्ट को टाइट मार देंगे। 10 नंबर का दोनों टाइपेट लॉक बोल्ट को टाइट मार देंगे फ्रेंड। बहुत साल ने बहुत बढ़िया BS6 में बहुत बढ़िया पंप बनाया फ्रेंड्स। ज़्यादा लुचा नहीं रहता रोटरी पंप के तरह, ये टूट गया वो टूट गया ये हो गया, ये बहुत कम पार्ट्स पानी आने से कुछ और आने से ही खराब होता है। ऐसा थोड़ा अंगूठी में उठा के देखने का फ्रेंड्स, लॉक हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे तो लॉक नहीं होता तो बोल्ट अपना जाता ही नहीं, अंदर नहीं जाता है, लॉक हुआ है। ठीक है यार, ऐसा घुमा के देखना है, देखिए फ्री पूरा स्मूथली ऊपर नीचे होना चाहिए टाइपेड। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा ऑयल वॉयल डाल दिया हूँ, अंदर से ऐसा रहता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, अभी एलिमेंट असेंबली को कंप्लीट करेंगे। एलिमेंट असेंबली है, हाउसिंग है उसका फ्रेंड्स, बारल जो बोलते हैं इसको। अभी प्रेशर प्लेट है फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे नीचे प्रेशर प्लेट आता है, उसके ऊपर थोड़ा ग्रीस लगा देंगे क्योंकि जो बॉल है वो गिरना नहीं करेगी। ठीक है, ब्लैक वाला बॉल है फ्रेंड्स, अरे चौड़ा वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, और इसे छूट देंगे फ्रेंड्स, ये बराबर बैठ जाएगा। ये देखिए ऐसा बैठता है, बॉल में थोड़ा ग्रीस लगा देंगे इधर उधर नहीं होना करके, नहीं तो इसे बैठा नहीं सकते आप। ओके, ये डीवी है, डिलीवरी वाल है फ्रेंड्स। इसके अंदर एक पेग आता और स्प्रिंग आता फ्रेंड्स। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। देखिए पैग में भी थोड़ा ग्रीस लगा देंगे क्योंकि वो पलटी करके लगाएंगे तो गिर जाएगा। स्प्रिंग है देखिए फ्रेंड्स, एक साइड थोड़ा उसका होल बड़ा है, एक साइड होल छोटा है, चौड़ा है एक साइड, चौड़ा है एक साइड, पतला है। ठीक है, तो चौड़ा वाला पैग के साइड जाएगा, पतला वाला बल साइड रहेगा फ्रेंड्स। ऐसे पलटा के रखेंगे, ये देखिए ऐसे पलटा के डाल देंगे, उसको डाल के ऐसा थोड़ा प्रेस करेंगे तो ऊपर नीचे होना चाहिए स्मूथली। ठीक है, ये डीवी होल्डर है फ्रेंड्स, डीवी होल्डर में पैग आएगा, ये पैग डाल देता हूँ मैं। स्प्रिंग है, इसमें छोटा स्प्रिंग आता है फ्रेंड्स, दोनों एक साइज के स्प्रिंग नहीं रहता, ये छोटा सा और थोड़ा मोटा टाइप का रहता है। ठीक है, और ये रिंग में थोड़ा ग्रीस की ऑयल लगा लेंगे लुब्रिकेंट, कटे ना करके, क्योंकि टाइट मारते टाइम नहीं कटना करके ऐसा ऑयल लगा देंगे। ठीक है, और वो डीवी में छट रहा था फ्रेंड्स, वो स्टील वाला छट रहा है, ये ऊपर रहेगा। ठीक है, ये छटरा लगाता हूँ मैं, ऐसा देखिए ऐसा छटरा लगा दिया हूँ, ग्रीस में लगा के थोड़ा चिपका दिया हूँ उसके ऊपर, ये डिलीवरी वाला लगा देंगे सर, ये डीवी होल्डर को लगा देंगे फ्रेंड्स। ये होल्डर को ऐसा माउंटिंग में लगा के पूरा फुल टाइट मार लेने का पहले, देखिए। और जो बड़ा माउंटिंग में जब लगाएंगे, वॉइस में जब लगाएंगे, वो कान जिधर टाइट कर रहे उधर कान टच होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो टूटने का चांसेस रहता है। ठीक है, बराबर देख के संभाल के टाइट मारना है। पूरा टाइट होने के बाद ये देखिए अभी एलिमेंट का पिन डाल रहा हूँ, ये देखिए वैक्यूम बना चाहिए, ऐसा प्रेस कर रहा तो ऑटोमेटिक रिटर्न आना चाहिए फ्रेंड्स, प्रेशर बना रहे तो बराबर है। अगर वो कुछ उसमें अंदर कचरा आ गया, कुछ प्रेशर प्लेट अगर ख़राब होगा तो छटरा में कुछ कचरा आ गया तो काम नहीं करता, वर्किंग नहीं करता है, ऐसे ऑटोमेटिक ये नहीं बनाता फ्रेंड्स। ठीक है, अभी प्लंजर स्प्रिंग लगा के लॉक लगा देख के उसको फिट करेंगे। ठीक है, हाउसिंग में फिट करेंगे फ्रेंड्स। ओके, ये उरिंग में पूरा थोड़ा ये लगा देंगे ग्रीस, ऑयल लगा देंगे फ्रेंड्स, ग्रीस नहीं तो ऑयल दोनों कोई भी लगा सकते, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, और पंप को थोड़ा सुला के लगाएंगे क्योंकि अगर ऐसा डायरेक्ट लगाएंगे तो गिर जाएगा फ्रेंड, लॉक गिर जाएगा, तो उसको पंप को थोड़ा आड़ा कर लेने का। ठीक है, टेपर कर लेके पंप को उसको ये कर देंगे। ठीक है, ये देखिए
टेपर करके ऐसे थोड़ा उठा भी लेंगे फ्रेंड्स तो बराबर बढ़ जाता है, फिर सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद 8 नंबर का लेंगे कि दोनों को टाइट मार देंगे। वन साइड टाइट नहीं मारना है, दोनों सेम बराबर में टाइट मारना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए मैं अभी इसको टाइट मारता हूँ। जैसा मैं सिलेंडर कंप्लीट किया फ्रेंड्स ऐसा ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धो धा के पूरा क्लीन करके कंप्लीट करेंगे और वो प्रेशर बनाना चाहिए। और कुछ अगर वो उल्टा भी आपके साथ कुछ फिटिंग इधर उधर हो गया तो वो बनाता नहीं, डीजल प्रेशर नहीं करता, वो वैक्यूम नहीं बनाएगा। ठीक है, ये हल्का टाइट मारेंगे, बाद में मंगन में वाइस में लगा के उसको फुल टाइट मारेंगे। ठीक है, दूसरा सिलेंडर अभी लगा देंगे। ये दोनों सिलेंडर में लगा दिया हूँ, देखिए अभी इसको फुल टाइट मार देंगे फ्रेंड्स। ओके, इसको मैं फुल टाइट मारता हूँ। और ये पहले स्टार्टिंग ट्रबल के लिए आया था फ्रेंड्स, मैं मेरे पास स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये होल्डर से ऊपर डीजल स्प्रे ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इसीलिए नहीं कर रहा था, वो सप्लाई पम्प खींच नहीं रहा था डीजल। ये सप्लाई पम्प नया बुलाया हूँ मैं, CB28 का सिग्ना का फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज वाला सप्लाई पम्प है। ठीक है, नया डालेंगे। ये इसे सप्लाई पम्प पूरा कंप्लीट आता फ्रेंड्स, CB18 में जैसे अपने CB18 की भी पम्प में जैसा रहता है ऐसा नहीं है, ये पूरा कंप्लीट हाउसिंग के साथ आता है। डायरेक्ट लगाने का काम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें ओरिंग लगा देंगे, ओरिंग लगा के उसको लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओरिंग आता है फ्रेंड्स, ओरिंग लगा लेंगे पहले, फिर चाबी लगाएंगे, चाबी लगा के सप्लाई पंप को डाल देंगे फ्रेंड्स। ओके, ये देखिए इन और एक आउट रहता है फ्रेंड, इन साइड थोड़ा जो कट है वो मोटा रहता है, देखिए जो मैं पकड़ रहा हूँ ये देखिए इन साइड मोटा रहता है और आउट साइड पतला रहता है। और जो एलिंकी का स्क्रू दिख रहा है फ्रेंड, ये आउट साइड में सेंटर में आता है। ठीक है, और इन साइड के साइड वो राइट साइड में रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, वन साइड में रहता, ये भी पहचान सकते हैं अगर वैन पम्प पूरा सप्लाई पम्प जब खुलने लगेंगे। और इसका कैसा खुलना है वो वीडियो मेरा चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे खुलना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, वो कन्फ्यूज नहीं होना, तो आप मेरे वीडियो देख के खुल सकते फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मैं इसको फिट करता हूँ, चाबी लगा दिया हूँ, अभी फिट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे चाबी आता है फ्रेंड्स, चाबी लगा देंगे पहले, ये देखिए ये चाबी आता है, चाबी लगा देंगे। दोनों चाबी ये रहता, कोई मतलब ये नहीं है, कैसे भी लगा सकते उसको। चाबी लगाता हूँ मैं फ्रेंड्स, ये कट में जाएगा। ठीक है, और सप्लाई पम्प का स्प्रिंग टूटा करके मैं नया डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। ये क्या पंप आगे रेल को प्रेशर ही नहीं दे रहा था, टैंकी से डीजल ही खींच नहीं रहा था करके गाड़ी चालू नहीं हो रहा था, लो प्रेशर गाड़ी जो BS4 का गाड़ी है फ्रेंड्स, चालू होने के लिए रेल में मतलब 250 से 320 bar का प्रेशर होना मिनिमम। ठीक है, उसके नीचे अगर हो गया तो गाड़ी चालू नहीं होगा, कितना भी आप सेल मार लो, उसका रेल का प्रेशर ओपनिंग प्रेशर वही इतना होना, और 250 से 320 bar होना चाहिए CR का, उसके नीचे आ गया तो स्टार्टिंग ट्रबल आएगा। ठीक है, तो प्रेशर बना नहीं रहा था, ये लो प्रेशर बिल्कुल बना नहीं रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए अभी ये 4 बोल्ट लगा देंगे उसको, 10 नंबर के आते फ्रेंड्स। इन वाला नीचे रहेगा फ्रेंड्स, आउट वाला ऊपर रहता है। ठीक है, इसको मैं टाइट मार देंगे, वो वैन पम्प में टाइट मार दिया हूँ। अभी मैटरिंग यूनिट है फ्रेंड, ये DR भी है, इसे ठोकेंगे तो टक 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 साउंड मारता है, और टक 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 साउंड नहीं मार रहा तो जाम हो चुका है, वो काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। वो उसको खुलने के लिए पुलर आता है, वो खुल के आप क्लीन कर सकते, नहीं तो नया डालना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके,
मेरे ख्याल में न्यायी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, न्यायी डाल देंगे बहन, अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो। अरे मशीन पे भी चेक होता फ्रेंड्स, करंट करंट देंगे तो ऑफ कर देता डीजल। ठीक है, करंट 12 वोल्ट का ही करंट देने का मशीन पे, क्योंकि 24 वोल्ट का कभी देने का नहीं, वो 12 वोल्ट में ही काम करता है। ये एक्चुएटर है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ECM को सिग्नल देता नहीं, वो ECM इसको सिग्नल देता है, ECM इसको कमांड करता है। DRB हो गया, नोजल हो गया, ये एक्चुएटर बोलते, इनको सेंसर नहीं बोलते फ्रेंड्स। सेंसर जो सेंस करके बताते इसी को, उनका नाम सेंसर है। और बस सेंसर बताने के बाद, जो सेंस करके बताते उसके बाद जिसको ECU कमांड देता, भाई आप ये कर लो, आप अभी ये स्प्रे कर दो, आप अभी प्रेशर को कंट्रोल करो, तो एक्चुएटर होते फ्रेंड्स, उसको एक्चुएटर बोलते हैं। ठीक है, अरे 689 का DRB मैटरिंग यूनिट आता फ्रेंड्स। ओके, अरे रिटर्न वाले है। ठीक है, अभी इसको मशीन पे लगाता हूँ। पहले तो लगाया था तो डीजल ही नहीं आ रहा था, वो वीडियो मेरे चैनल में है, वो देख सकते कैसे डीजल नहीं आ रहा था। फिर मैं चिल्लर करके पूरा दिखाया हूँ, अभी ये मशीन पे लगाता हूँ, फिर देखते डीजल आया कि नहीं, सक्सेस हुआ। ये देखिए फ्रेंड, मैं मशीन पे लगा चुका हूँ और मेरा डीजल भी बहुत बढ़िया खींच रहा है। पहले यहाँ से डीजल ही नहीं आ रहा था, ठीक है, अभी बहुत डीजल बढ़िया अच्छा से आने लगा। सप्लाई पम्प नया डाला हूँ तो ओके हो गया मेरा पंप, अभी गाड़ी भी चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। स्टार्टिंग ट्रबल के लिए आया था तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, आपको भी ऐसा कभी अगर दिक्कत आता तो पहले सप्लाई पम्प खोल के देख लेने का, उसमें पानी तो आया तो नहीं है, और पानी आने से वो स्प्रिंग टूट जाते करके वो सप्लाई पम्प डीजल नहीं खींचता फ्रेंड्स। ठीक है, और गाड़ी चालू होने के लिए वो प्रेशर जो जितना बार चाहिए, 250 से 320 बार चाहिए, वो गाड़ी में नहीं होगा तो गाड़ी चालू नहीं होता है, तो डीजल ही नहीं देगा तो उधर रेल में तो कैसा गाड़ी चालू होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और वो DRB में करंट देंगे तो डीजल ऑफ होना चाहिए, 12 वोल्ट का करंट देना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे आप चेक कर सकते। और इसका टेस्टिंग का वीडियो जो 608 नंबर का टेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल में है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।